नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी निवासी जगन्नाथ की जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे थे। जब पीड़ित युवक ने इसका विरोध किया तो दबंग लोगों ने उसकी 4 दिन पूर्व पिटाई कर दी थी, जिसको पूरनपुर CHC में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था और जिला अस्पताल से बरेली, आज फिर बरेली उपचार के लिए युवक को ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत को लेकर परिजनों में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने क्षेत्रीय दरोगा रामकुमार पर आरोपियों से मिले होने पर कार्रवाई ना करने और कार्रवाई के दौरान मारपीट कर भगाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से नाराज मृतक के परिजन शव लेकर हाईवे पर पहुंचे और जाम लगाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर रघुवंशी कुमार पुलिस जो है मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। मृतक के परिजनों ने SP को घटनास्थल पर बुलाने की मांग की है। ये तस्वीरें आप पीलीभीत से देख रहे हैं। 4 दिन पहले दबंगों ने दरअसल युवक की पिटाई की थी, हालांकि उसके बाद जिला अस्पताल उनको लेकर जाया गया तो उन युवक को उपचार के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। हालांकि देखिए, आज उनको एक बार फिर से जब ले जाया जा रहा था अस्पताल, इस बीच आपको बता दें कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि आप देखिए, तमाम जो परिवार के लोग हैं वो हाईवे पर पहुंचे हैं, जाम लगाया हुआ है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई बापू का नाम, इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को, लाठी डंडों से काफी चोट आई है, तो उसके चोट की वजह से कल मृत्यु हो गया है। इनके गंगाराम ने महेश को मारना और प्रकाश सिंह तीनों ने मिलकर मारा है। कब मारा था? मंगल का वार नमो दिन। इसकी कोई शिकायत की थी कोतवाली में आपने? और वहीं लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। ओपी राजभर ने कहा कि सुबह सपा अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। सुबह सपा ने अलका पांडे को लखनऊ से मेयर का प्रत्याशी बनाया है। अलका पांडे लखनऊ से सुबह सपा के सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ेंगी। ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव के लिए 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और इसी के साथ ही 87 नगर पालिका से आवेदन आए हैं। स्थानीय मुद्दे, नाली, रास्ता, शौचालय आदि को लेकर चुनाव में पार्टी दमखम दिखाएगी। घरेलू बिजली बिल माफी का मुद्दा भी बढ़ा, शिक्षा के मुद्दे को लेकर भी चुनावी मैदान में पार्टी उतरेगी। शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भी लगे हैं कुछ, जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फरुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद। ऑपरेटर डिंपल सिंह है। और वहीं उन्नाव में पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से प्रतिबंधित हरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। क्षेत्रीय वन विभाग, रेंजर और इसी के साथ ही पुलिस की मिलीभगत से हरे पेड़ों की अवैध कटान हो रहा है। शीशम, जामुन, बड़हर के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी के साथ ही आरोप ये भी है कि भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत से प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटान जारी है। वन विभाग के अधिकारी मामले को लेकर कैमरे पर, मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बचरौली गांव का है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के आटा इटोरा रोड पर ग्रामीणों ने ओवरलोड गाड़ियों से परेशान होकर में रहता था और प्रयागराज के चर्चित डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के यहां पर प्रैक्टिस करता था। कमरे से आ रही बदबू के बाद स्थानीय लोगों को अंदेशा हुआ तो मामले की जानकारी थरवई पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो युवक की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। शव को देखने से पता चल रहा था कि हत्या 2 दिन पहले हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को देख परखकर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक का शव उसके कमरे में मिला। हालांकि आपको बता दें कि जब पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची तो ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि इस युवक की हत्या 2 दिन पहले की गई है, धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हालांकि जब आपको बता दें कि मृत्यु के बाद, हत्या के बाद जब शव में से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों को
संदेह हुआ और उसके बाद उनकी तरफ से पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल देखिए तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अब प्रयागराज का करेंगे। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में आकस्मिक छापा पड़ा। ईडीजी जेल साबत के आदेश पर आईपीएस शिवहरि मीणा द्वारा नैनी सेंट्रल जेल में दौरा किया गया। दौरे के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेल रंग बहादुर भी मौजूद रहे। अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से पहले किए गए इस दौरे से कई बातों पर संशय लग रहा है। इसके साथ ही बैरक की गहन तलाशी भी हो रही है। हालांकि गंभीर हालत देखते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अज्ञात कारणों के चलते एक 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। महिला को अचेत अवस्था में लाया गया, क्या मामला है, कहां की महिला है? को हुई पुलिस जानकारी साझा की गई। आपको बता दें झांसी से ये मामला सामने निकल कर आया है। और वहीं मऊरानीपुर कोतवाली के वाले ग्राम सियावरी निवासी युवती ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना, तो झांसी से ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बुलाते ना करने का नाम बोलते नहीं है, दम खा जाते हैं, हमारी लड़की सियानी है घर में से लिए बोलते नहीं है। और अब आज वो कल गाली दे रहा था, आज हमको मार रहा था। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ की निवासी हो? सियावरी। क्या समस्या लेके आई आप थाने? अरे कुछ नहीं है, बबलू नाम का लड़का है। हाँ। वो गाली गलौज करता है दारू पी के, हम लोग बोलते भी नहीं है फिर भी बोलता है। और वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर चिरगांव पुलिस एक्शन मोड में है। सीओ मोड चिरगांव थाना प्रभारी जेपी पाल ने पुलिस बल के साथ नगर में पैदल मार्च किया। इसके साथ ही वाहनों के चालान भी काटे गए, कई लोगों को हिदायतें भी दी गई। तो वहीं थाना प्रभारी जेपी पाल आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का हवाला देते प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यक्ति चाहे जितना प्रभावशाली हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में कार्य होगा। आपको बता दें कि गांव अस्ता के सैकड़ों किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में मिलकर किसानों ने अपनी पीड़ा को मंडल आयुक्त झांसी के सामने रखा और बताया कि अस्ता गांव के किसानों ने तहसील में सर्वाधिक प्रधान का बीमा प्रीमियम भरा हुआ था, लेकिन साल 2022 से खरीफ फसल का बीमा क्लेम उन्हें अभी तक नहीं मिला है, जिसमें उन्होंने की तरफ से और खराब हुई खरीफ फसल का मुआवजा शासन ने उनके खातों में डाल दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाला बीमा खातों में नहीं मिला, जिसके संबंध में ज्ञापन पत्र मंडल आयुक्त झांसी को सौंपा गया, जिसमें बर्बाद हुई खरीफ फसल का बीमा क्लेम और किसानों को फसल मुआवजा दिया गया था, लेकिन जब बीमा क्लेम देने की बारी आई तब बीमा कंपनियां ये कह रही हैं कि नुकसान हुआ ही नहीं, जबकि जनपद झांसी तहसील गरौठा का एक गांव अस्ता ऐसा है जहां पर बैंकों ने लगभग 50 लाख रुपए गांव से बीमा प्रीमियम काटा था और आज इस गांव में एक भी किसान को बीमा क्लेम नहीं मिला। किसान आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुंह भंग हो चुका है। जिला प्रशासन सरकार को किसानों का उनका हक देना चाहिए, प्रीमियम काटा गया तो बीमा क्लेम देना चाहिए। परिहार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। मैं आलोक सिंह, ग्राम अस्ता, तहसील गरौठा। आज हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आया है फसल बीमा जो हम लोगों का नहीं मिला है ग्राम अस्ता, उसके बाबत अभी हमने ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब से मांग भी करी है कि हमारा क्लेम जो बना हुआ है, नुकसान हुआ था उर्द का। देखिए आज हम लोग थक हार के हताश हो के जनपद झांसी आए हैं माननीय मंडलायुक्त जी को। यहाँ पर हमने किसानों की जो बीमा की समस्या है, समस्या इसलिए है कि किसानों के केसीसी से बीमा प्रीमियम काटा जाता है जो बैंक काटती है और बीमा कंपनियों को देती है, और जब किसानों की फसलें नष्ट होती हैं तो यही बीमा कंपनियां
किसानों को बीमा क्लेम नहीं देती। और वहीं श्रावस्ती में जमीनी हकीकत जांचने श्रावस्ती यूनिसेफ की टीम पहुंची। यूनिसेफ टीम में कई विदेशी सदस्य भी शामिल रहे। टीम ने इकोना के सीताद्वार और कैलाशपुर का निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने आशा कार्यकर्ता, शिक्षक और ग्रामीणों से बातचीत की। यूनिसेफ टीम के साथ डीएम नेहा प्रकाश भी मौजूद रही। और वहीं प्रयागराज की उत्तराव थाना क्षेत्र के जलालपुर कस्बा गांव में प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक की दुखद कहानी का दुख अंत हुआ है। आपको बता दें कि पीड़ित शिक्षक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। जलालपुर कस्बा निवासी चंद्रशेखर अविंद, जो कि बहादुरपुर ब्लॉक के गोतागांव प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे, मंगलवार की रात अपने कमरे में पंखे से नायलॉन की डोरी से फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। शिक्षक के पिता महेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि उनके बेटे की शादी 24 मई 2021 को थरवई थाना क्षेत्र के तारडी गांव निवासी अनंत बिहारी बिंद की बेटी रमा से हुई थी। मायके पक्ष के लोगों का आरोप था कि रमा की 19 नवंबर 2022 को प्रसव के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिक्षक से लड़की पक्ष से सुलह समझौता होने के बावजूद पिता का आरोप है कि उसके बेटे से पुनः पैसे की डिमांड करने पर शिक्षक बेटा डिप्रेशन में आ गया था, जिसकी वजह से कर्ज डूबे शिक्षक ने मंगलवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। बुधवार को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हरदोई में एएसपी के पास एक युवक अपनी पुत्री को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर लेकर पहुंचा। युवक ने अपनी पुत्री के ससुराली जनों पर मारपीट कर पुत्री को घर में छोड़ जाने का आरोप लगाया है। एएसपी ने महिला पुलिस को बुलाकर बेहोश महिला को जिला अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। ये राम शरण है, जो शाहपुर सैदान गाँव के निवासी है, जो थाना पियानी में पड़ता है। वो अपनी पुत्री को लेके आए थे कि इनके ससुराल वाले, इनकी शादी पुत्री की हुई थी शाहजहाँपुर में, रौजा में। तो इनका ये कहना था कि हमारी पुत्री को ससुराल वाले मारपीट के घर पे छोड़ गए हैं, तो उसको यहाँ ले आए थे, उनको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। उनका प्रार्थना पत्र लेके कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पीलीभीत में एक युवक ने एसओजी इंचार्ज पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों से मिलीभगत और प्रताड़ित करने और इसी के साथ ही 1 लाख मांगने का आरोप लगाते हुए वीडियो और ऑडियो वायरल किया है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की है, क्योंकि एसओजी सीधे एसपी को रिपोर्ट करती है और इसीलिए मामला गंभीर बन गया है। मामले में एसपी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पत्रकारों से मिलना ही छोड़ दिया। फिलहाल जनपद की एसओजी की जमकर फजीहत हो रही है। मामला का मेरा भाई बापू का नाम, 3 लोगों ने मारा है मेरे भाई को, से काफी चोट आई है, तो उसके चोट की वजह से कल मृत्यु हो गया है। मैं दोबारा राम कुमार दरोगा के पास गया तो राम कुमार दरोगा ने मुझे जापड़ मार के भगाया। चल देता है कार्रवाई के लिए, मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरा भाई राम कुमार दरोगा ने मरवाया है। मामला का मेरे भाई को 4 तारीख को खेत पे मारा गंगाराम महेश कुमार ओम प्रकाश ने, तो भाई एम्बुलेंस लाद के पूरनपुर ले गई, पूरनपुर से पीलीभीत के लिए रेफर कर दिया, पीलीभीत वाले डॉक्टर ने बरेली के लिए किया, बरेली से 8 तारीख को रेफर कर दिया, घर के लिए छुट्टी कर दी, तो घर आज सुबह उसका मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हुई इनकी? गंगाराम ने महेश को मारना, ओम प्रकाश ने तीनों ने मिलकर मारा। कब मारा था? मंगल का वार नमो दिन। इसकी कोई शिकायत की थी कोतवाली में आपने? हाँ। क्या हो, कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई ना हुई। और वहीं रायबरेली में लाचार पुलिस बेखौफ, अपराधी जिले की कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। आपको बता दें कि विगत 24 घंटे में 2 हत्याओं से रायबरेली दहल चुका है। पूरा मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कनकपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेखौफ दबंगों ने लल्ला सिंह के परिवार पर लाठी डंडे से बेखौफ दबंगों के हमले में आशु सिंह, जिसकी उम्र 36 साल है, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक महिला समेत 3 लोगों को गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं। से सभी घायलों को गंभीर हालत में सीएचसी उचाहार लाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना पर
लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहीं पीड़ित महिला ने चार लोगों को नामजद करते हुए ऊंचाहार कोतवाली में तहरीर दी है। बीते 24 घंटों में दो हत्याओं से रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं आम जनमानस अपने आप को भयभीत समझ रहा है। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।